हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई है, और ये है पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। और इसको मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है। आप वीडियो देखेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको एक बार जरूर बनाएं और खाएं। और लेकिन उसके पहले आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए। ये पत्ता गोभी है, और ये है चार मीडियम आकार के आलू थे जिनको मैंने छील के धुल के काट लिया है। और ये पत्ता गोभी भी मैंने धुल के काट लिया अच्छे से, और इसको रफली चॉप किया है मैंने। तो अब इसको हम तीन प्रेशर लगाएंगे इसमें, हल्का सा नमक डाल के और एक गिलास पानी। तो फ्रेंड्स, अब पत्ता गोभी उबल गया है, और ये उबले हुए आलू जो मैं सेलो फ्राई करने जा रही हूँ। तो मैंने बस एक दो चम्मच तेल डाला है। इसको आपको ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सेलो फ्राई करके निकाल लेना है। तो वन बाय वन ये आलू के टुकड़े आप ऐसे बिछा देंगे। तो फिर इसको ऐसे आप सेलो फ्राई कर लेंगे। और ये जो आलू के टुकड़े जो आलू टूट गए हैं उनको मैंने बचा के रख लिए हैं ग्रेवी के काम आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आलू हमारे ऐसे गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो ये आलू मैंने निकाल लिए हैं फ्राई किए हुए, और जो बाकी तेल उसमें बच गया है वो उसी में आप रहने देंगे। और अब हम 1 पिंच के करीब हींग डालेंगे इसमें। जैसे ही हींग कड़क जाएगा इसमें हम 1 मीडियम आकार का ऑनियन कटा। इसमें हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ जो गोल्डन हो जाएगा आप इसमें बता दें। प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब चिली डालें और जिंजर पेस्ट डाल देंगे। चिली आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने इसमें चिली दिए हैं, और अदरक लहसुन धनिया और एक छोटा ही अदरक का टुकड़ा है। इसको आप अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है आप इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। करीब 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच पिसी हुई धनिया, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा। ये सारे मसाले ऐड हो गए। लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची डाल देंगे, और मिर्ची डालने के साथ ही इसमें 1 मीडियम आकार का टमाटर कटा हुआ डाल देंगे। और टमाटर को उबलने के लिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करते समय फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा कि आपने पास गोभी में भी नमक डाला था बॉइल करते समय, इसलिए नमक के साथ 1 चम्मच के करीब मैंने नमक इसमें डाल दिया। इसको हमें ढक के 2 मिनट रख देना है कि टमाटर गल जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम पे कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम फ्लेम को हाई पर कर देंगे और इसको चला लेंगे।
और अब ये फ्राइड आलू इसमें डालेंगे। तीन मिनट के करीब आप इसको ढककर छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हमारा आलू कैसा है। ये बिल्कुल मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस टाइम पर हम इसमें आधी चम्मच ग्रीन मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। इसमें कैबेज उबले हुए कैबेज डालने की, तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने उबाल के रखे हुए थे और इसमें जो पानी है जो हमने एक गिलास पानी डाला था उबालते समय, बहुत सारे लोग इसको फेंक देते हैं लेकिन इसको हमें फेंकना नहीं है, हमको इसी को इसी में सब्जी पकानी है क्योंकि अगर फेंक देंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। तो हम इसमें ऐड कर देंगे फ्लेम को आप हाई पे कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करके ये सारा मिक्स हो गया और अब टाइम है इसको पकाने की। और उसके पहले ये आलू जो फूट गए थे उबले हुए आलू, इनको मैंने मैश कर लिया था और अब ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी जिससे कि ग्रेवी बहुत थिक बनेगी। इसको आप अच्छे से मिला देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी का और इसको करीब 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ढक के। तो आइए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं सब्जी। वाव लुक सो टेस्टी। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो ये है फ्रेंड्स टेस्टी एंड हेल्दी पत्ता गोभी और आलू की टेस्टी सब्जी। इसमें आप चाहे तो मटर भी ऐड कर सकते हैं। कितना अच्छा कलर आया और हेल्दी इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। सारी सब्जी उसी में बनी है तो जो लोग भी हेल्थ कॉन्शियस है वो ये जरूर ट्राई करना चाहेंगे